दर्शन पढ़ करके रात में नींद गायब हो जाती थी, लोगों ने प्रेम के लिए क्या क्या किया है। और वो किताब आने के बाद पुष्पा जी से बहुत सारे लोगों ने अनुरोध किया कि आप जो है इंडिया में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने प्रेम बहुत अच्छा किया। तो पुष्पा जी ने एक किताब और लिखी ढाइया का, और उसमें जिन्ना और लत्ती की भी ऐसी प्रेम कथा ही लिखी पुष्पा जी ने, मतलब वो सब कालजयी रचनाएं हैं। और अभी कुछ समय पहले आपकी किताब आई यादें यादें यादें, जो संस्मरणों की सौगात है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा आदरणीय पुष्पा भारती से ही आप सबकी तरफ से प्रार्थना करूँगा। केशव जी उनके हाथ में माइक दें और तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कराते हैं। आदरणीय पुष्पा भारती जी के घर में जो साहित्य सहवास बांद्रा में है, अटल बिहारी वाजपेयी ने आके कविता पाठ किया, और बचपन से सचिन तेंदुलकर उसी गली में जो है, पहले गली में ही क्रिकेट खेलते रहे हैं, बाद में इतने बड़े सितारे बने। उस घर में अमिताभ बच्चन भी आते रहे, उस घर में जो है ये जावेद अख्तर भी आते रहे, कृष्णंदर भी आते रहे, मतलब इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी हिंदी उर्दू की मराठी की सब आते रहे। तो इतना खजाना है पुष्पा भारती जी के पास में, ये अब देखिए वो आपके सामने वो सौगात क्या देती हैं आपको। कि आ सकूंगी इस प्रोग्राम में या नहीं आ सकूंगी, आयोजक जानते हैं इस बात, लेकिन क्योंकि बहुत प्रेम से बुलाया जा रहा था तो मैंने सोचा था देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर लूंगी कि जाऊं जरूर, और मेरी कोशिश शायद रही है दंग लाई कि मेरे में आज इतनी ताकत आ गई है कि आपके साथ आकर के बात कर सकूं। दोस्तों मजे की बात यह है कि मैं बहुत पछता रही थी कि तबीयत खराब होने के कारण मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि आज क्या बोलूं, बड़ी परेशान थी कि वहां जाके मैं बोलूंगी क्या, मैंने कोई तैयारी तो की ही नहीं है। पर जब आज सवेरे सोचने के लिए बैठी थी और मेरे बच्चों ने भी कहा कि भाई अब आप अपना सोच लीजिए जरा कार्यक्रम में क्या बोलना, एकाध साहित्यकारों की आपसे बात जवाब से सवाल जवाब किया जाएगा। आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम जरूर आता है। आप लीजिए वो सब अच्छा लगता, लेकिन अभी तो मुझे लगा कि शायद माहौल बन गया है केवल अमिताभ बच्चन का, जरा सा घबराहट महसूस हो रही। ऊपर से अध्यापिका रही हूँ तो 45 मिनट के बाद मेरे दिमाग में घंटी बजती है। 45 मिनट तक तो आराम से चुपचाप बोलती ही रहूं। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, और ये भी है कि मैं बात करने में एक बात में से दूसरी, दूसरी में से चौथी, उससे छठी निकल आएगी, फिर मैं पहली पर आ जाऊंगी, ये सब भी बड़ा गड़बड़ होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं इस क्रम से जरा बताऊंगी कि मेरे अपने जीवन में किस तरीके से धीरे धीरे साहित्य का प्रवेश हुआ। उसके लिए मेरी बेटी अगर सुनेगी, अभी सामने बैठी है, मुस्कुराएगी, कहेगी कि पिताजी का जिक्र तो मम्मा जरूर करेंगी, उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। सच बात है, मेरे जीवन की जड़ों में जो कुछ है, मैं जहां से मैंने कुछ पाया है उन्हीं के आशीर्वाद से पाया है, और जो कुछ बनी हूं उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं बता दूं सबसे पहले तो अपनी इस जड़ की बात पर, मेरे पिता पंडित रघुनंदन प्रसाद शर्मा, वो एक सीधे साधे व्यक्ति थे, गांव में रहते थे वो लोग, गांव में प्लेग बहुत फैला करती थी कभी, और बहुत जबरदस्त महामारी पूरा गांव चपेट में आ गया था ऐसी थी। तो मेरे पिताजी के माता पिता दोनों उसी प्लेग में स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी बुआ उनको आकर के ले गई थी अपने पास जयपुर। जरा संक्षेप में बताऊंगी कि जयपुर प्रिंटिंग प्रेस आज तक है, उस समय तो जयपुर में बहुत नामी प्रेस हुआ करता था, वहां ले गए। तो बुआ ने पिताजी से जब छोटे ही थे पढ़ना शुरू किया था ये बताया, बेटा
बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा उनका एक इकलौता बेटा आ रहा ही है, उनका इकलौता बेटा, उसका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो पहलवानी करता था, राममूर्ति पहलवान उस जमाने के एक बड़े मशहूर हुआ करते थे, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि मैं तो बरसों पहले की बातें आपसे कर रही हूं। वो राममूर्ति पहलवान ऐसे थे कि वो चलती हुई ट्रेन को रोक लेते थे अपनी छाती से, ऐसे ऐसे पहलवान थे। तो वो उनसे पहलवानी सीखा करते तो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, तो बुआ ने कह दिया था कि नंदन, उन्हें घर में कहते थे नंदन, ध्यान से पढ़ना क्योंकि बड़े होकर के तुमको ये जयपुर प्रिंटिंग प्रेस संभालना है। पिताजी ने ये बात ठान ली थी कि बुआ लाई है, ध्यान से पढ़ाती है। वो इतने ध्यान से पढ़ने लगे कि आप लोग अचरज करोगे, हर कक्षा में वो टॉप तो करते ही थे। वो सब मैं छोड़ दूं और आपको केवल एक बात बताऊं कि एमए के इम्तिहान में वाइवा हुआ करता है, आप सब जानते हैं वाइवा रामचंद्र शुक्ल ने लिया था उनका। उनका नाम आप लोग भले ही हिंदी जानते हैं नहीं, रामचंद्र शुक्ल का नाम तो सब जानते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने उनका वाइवा लिया था और उनको वाइवा में 100 में 99 नंबर दिए थे। वाइस चांसलर ने तलब कर लिया शुक्ल जी को कि साहित्य में तो कभी ऐसा होता नहीं है, आज तक लिटरेचर में वाइवा में इतने नंबर मिले, ऐसा पक्षपात होता क्यों दिए नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा जी बात ऐसी है, इसलिए दिए हैं कि मैं 100 में से 110 नहीं दे सकता, तो ये मेरी मजबूरी थी इसलिए 99 देने पड़ा। आप स्वयं इस लड़के से बात करके देख लीजिए, आप खुद ना पिछड़ जाए तो मुझसे कहिएगा इतना विद्वान है। तो पिताजी कैसे थे, उन पिताजी से मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। उनकी 8 संतानें थी और 8 संतानों में से मेरे ऊपर के जो 3 बच्चे थे तीनों साइंस, साहित्य कोई पढ़ता नहीं था, साइंस पढ़ता, केवल मैं और मेरा छोटा भाई, हम 2 लोग साहित्य में इंटरेस्टेड थे, तो हम 2 लोग साहित्य पढ़ते थे। मेरे पिताजी ने जो मुझको पढ़ाया है साहित्य, उसके एक छोटी सी बचपन की बात बता दूं तब आगे बताती हूँ, छोटी सी बात बताती हूँ बचपन की। मैं उनसे किसी कविता के अर्थ पूछ रही थी, कविता में आए हुए शब्दों के अर्थ पूछ रही थी, तो उन्होंने अर्थ तो बताए पर मुझसे कहा कि बेटा कविता ऐसी चीज होती है कि केवल शब्द के अर्थ समझ लेने से कविता को समझा नहीं जा सकता, शब्द के अर्थ समझने मात्र से कविता नहीं समझी जाती, कविता को महसूस करना होता है तब कविता को समझा जा सकता है, कविता ऐसी चीज होती है। तो शब्द के अर्थ मात्र जानकर के संतोष मत करना, अर्थ जानकर के इसको एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, हर बार तुमको नए उसमें से अर्थ दिखाई देंगे, ये कविता का सौंदर्य होता है। ठीक है, अब अपनी शैतानी की बात बता देती हूँ। एक दिन हम लोगों के घर में एक मेज हुआ करती थी लकड़ी की, बड़ी सी मेज थी, उस पर हम सब भाई बहन बैठ के पढ़ा करते थे। बड़ी बहन मेरी साइंस पढ़ती थी, बहुत पढ़ाकू थी, हर समय पढ़ती रहती थी। एक दिन मैं उस मेज के नीचे घुस गई थी और उसको अंदर से हिला रही थी, उसमें से आवाज आ रही थी। बहन नाराज हुई, ये पुष्पा क्या करते है, निकल वहां से, पढ़ने दे, न खुद पढ़ती है न मुझे पढ़ने देती है। पर मेज को हिलाया जाए, उसने जोर से आवाज दी, पिताजी। अरे पिताजी क्या बात, ये पढ़ने नहीं दे रही है। तो पिताजी बोले, यही वाली बात बोले, खुद भी पढ़ती नहीं है, उसे भी नहीं पढ़ने देती, निकल बाहर। फिर मैं निकल के आई, मैंने कहा क्या आप बात कह रहे हैं, पढ़ने नहीं देती है, निकल बाहर। आपने मुझको समझाया था कि कविता महसूस कर रही थी, मैं कविता महसूस कर रही थी, भगवती चरण वर्मा की कविता कल ही हमको पढ़ाई गई थी, भैंसा गाड़ी जा रही चली गई, तो चू चरण मगर भैंसा गाड़ी चली जा रही। तो ऐसे ही शैतानियां मैं करती थी। माँ ने एक दिन कहा था कि इतने इतने पन्ने तू जो है खत्म नहीं कर देगी तब तक मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, जब पढ़ कर क्या दू, पहले इतने पन्ने खत्म हो जाने। ठीक है, थोड़ी देर बाद जाके उनसे कहा
माँ खाना दे, लेकिन पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। खैर साहब खाना नहीं गया। बाद को माँ जा करके देखती है कि किताब जो है उसके वो पन्ने फटे। ये क्या किया? आप ही ने जो कहा था पन्ने खत्म कर दे। ऐसा तो बचपन बीता था, बड़ा प्यारा बचपन बीता था। इसके बाद मैं ये करती हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि क्या सुनाने लगी, मैं एकदम जंप करके आ जाती हूँ कि पिताजी इतने विद्वान थे कि उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बुलावा आया कि आप हमारे यहाँ आ करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाइए। उन्होंने स्वीकार किया और आने लगे थे। तो जब जयपुर से आने लगे तब उस जमाने में होल्डल बांधा जाता था, अपना बक्सा लिया जाता था, वो सब सामान तैयार हो गया। आने लगे तो उन्होंने देखा कि बुआ कहीं है नहीं, बुआ से प्रणाम कर लें, चरण स्पर्श करके जाएं, बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो अंत में बहुत ढूंढा ढाड़ी हुई तो पता चला कि घरों में जो एक दो छतियों के नीचे जो कोठरी हुआ करती है वहां चुपके बैठी। आप लोग याद करिएगा गर्म हवा में मुजफ्फर अली ने एक ये सीन दिया था कि बुढ़िया बैठी हुई। ये सीन मेरे मुंह से पिताजी की ये वाली बात सुन करके मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म में डाला। तो वहां मिली, बुलाया गया तो कहा कि नहीं मैं नंदन के बिना अब जीऊंगी कैसे, ये जा रहा है, मैं इसे जाते नहीं देख सकती। रोने लगी वगैरह। पिताजी ने वही बक्सा रख दिया, वही ओल्डोल रख दिया, नहीं अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे बुआ को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी के बनने का उन्होंने छोड़ दिया अपनी बुआ के पैसे, ऐसे मेरे पिताजी। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे। तो अब मैं आती हूँ, मैंने कहा ना मैं अपने जीवन के इससे आपको बात बताऊंगी। उन्नाव आ गए थे हम लोग, उस जमाने में मैं 11th में पढ़ती थी, 11th में उन्नाव आ गए थे। वहाँ प्रिंसिपल्स पहले उस जमाने में अंग्रेज हुआ करते थे, तो बड़े बड़े बंगले होते थे और उसके ऐसे बड़े बंगले के सामने बिल्कुल गार्डन है, पीछे खेत है, बहुत बड़े होते थे। वो हमारे पास था गेस्ट रूम वगैरह सब कुछ होता था। मैं उन्नाव में जब पढ़ती थी तो लालमणि मिश्र, आप लोगों में से जितने भी संगीत के प्रेमी होंगे कोई ऐसा नहीं होगा जो उनका नाम नहीं जानता। लालमणि मिश्र कानपुर में रहते थे, ट्रेन से रोज आते जाते थे और उन्नाव में आकर के पढ़ाते थे। मैंने सितार एक सब्जेक्ट लिया हुआ था, वो सितार पढ़ाते थे। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी मास्टर साहब आते हैं वहां से रोज रोज आते हैं, हमारा तो गेस्ट रूम खाली पड़ा हुआ है, ये उनको दे दे। बोलेगा कि तो बुलाया, उन्होंने देखा, बोले हाँ मैं आता हूँ, आप किराया क्या लेंगे? किराए का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिला है, किराया वगैरह तो नहीं होगा। इस पर दोनों में बहस हो रही थी तो मैंने रास्ता निकाला बीच में से कि मैं रास्ता निकाले दे रही हूँ, आप मुझे ट्यूशन दे दिया करिए, उसकी फीस किराया समझ लीजिए। इस तरीके से वो मेरे यहाँ रहने लगे। उन्हीं दिनों वो विचित्र वीणा का आविष्कार जो उन्होंने किया है, जिसके लिए जगत प्रसिद्ध है, वो जगत वहां से किया करते थे। बताऊंगी हमने था बहुत समय ले लेगी सारी चीज। उन्होंने एक बताया कि एक बार वो कहीं प्रदर्शन दे रहे थे, रामनवमी का अवसर था और राम के ऊपर ही वो बोल भी रहे थे और इस प्रकार का संगीत की बातें कर रहे थे। अचानक कहते हैं कि न जाने कितने बंदर कहां से आ गए और उदय शंकर जी कहते हैं बंदरों ने किसी को छेड़ा नहीं कुछ नहीं और वहां बैठे केवल हमारे प्रोग्राम देख रहे थे बंदर। इतने आश्चर्य की बात, संगीत की ताकत देखिए इसमें आप। एक ये उन्होंने बताया और दूसरा उन्होंने बताया था कि लंदन में एक बार प्रोग्राम हो रहा था और वो नटराज बने थे और वो नटराज का नृत्य उन्होंने किया था और सारी जनता बिल्कुल स्तब्ध थी उनका वो प्रोग्राम देख करके और स्वयं उदय शंकर जी नटराज की मुद्रा में खड़े होकर के कितनी देर वो उसी पोज में खड़े रहे नटराज के पोज में
कि लोग हैरत में थे कि ये भी संभव है क्या, फिजिकली ये संभव कैसे है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अब इनको छोड़ करके मैं और कुछ आपको बताती हूँ। पता नहीं भाई आप लोगों के फोन में क्या है। ये मैं गई इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए, और इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए गए तो बड़े खुश हम लोग सब लोग बड़े। वैसे तो एक बात बता दूं मैं लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी लगती थी तब उस जमाने में, आज के जैसी रिष्ट पुष्ट नहीं हुआ करती, बहुत पतली दुबली होती थी और बहुत छोटी लगती थी। तो वहां से जब नाम लिखाने के लिए गई थी तो रजिस्ट्रार ने मुझे कहा भैया देखो वो कॉलेज उधर सामने की तरफ है, ये यूनिवर्सिटी है, अब ये के लिए होता है। फिर लगा था मैं कॉलेज के लिए एडमिशन लेने, लेकिन खैर वहां मेरा एडमिशन हुआ। तो हम लोग कुछ सखियां बड़े जाते ही मित्रता हो ही जाती है, और बड़े खुश थे कि यहाँ तो हमने सुना कि अंग्रेजी डिपार्टमेंट में हरिवंश राय बच्चन पढ़ाते हैं और फिराक गोरखपुरी पढ़ाते हैं, और सुना कि हिंदी में रणवीर भारती पढ़ाते हैं। सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई थी, गुनाहों का देवता के लेखक यहाँ पढ़ाते हैं, बड़ा मजा है, बड़ा उनके साथ हम लोग पढ़ेंगे। थोड़े दिन के बाद सुना कि भैया लड़कियां यहाँ पर विमेंस कॉलेज नाम का डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ती हैं, लड़के अलग पढ़ते हैं, और ये प्रोफेसर लड़कों के डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। तो पढ़े मेरा ये तो खैर हम लोगों ने कितने ही अपने क्लासेस बंक कर करके और बॉयज डिपार्टमेंट में चले जाते थे कि ये लोग को देखे लगते कैसे हैं, दिखते में कैसे। तो भारती जी तो जल्दी से दिख गए थे क्योंकि ये पहली साइकिल लेके जाते थे और उसको जब साइकिल को स्टाफ रूम के सामने खड़ा करते थे उतनी देर में खड़ा कर रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, उतनी देर में अच्छी तरह दिखाई दे गए। और वैसे उन्होंने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया था, हम लोग पागल थे गुनाहों के देवता के पीछे, लेकिन जरा निराश हुए थे। वो भी पतले दुबले सांवले से और हर समय काला चश्मा बंद गले का फूल वगैरह पहने, तो हम लोग को एक जो चंदर की प्रतिमा बना रखी थी दिमाग में वो जरा गायब हो गया। खैर अब गए कि भाई उनको देख लिया है, फिर आप गोरखपुरी को देखे, फिर आप गोरखपुरी भी दिख गए। छड़ी को ऐसे छड़ी लेके चलते थे और छड़ी को यूं घुमाते हुए चला करते थे, हम बड़े मस्त मनमाती चांस करते थे। फिराक जी भी दिखाई दे गए, बड़े खुश हम लोग फिराक गोरखपुरी के दर्शन। अब बच्चन जी ना मिले, हम लोग कितनी बार आके 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 दौड़ते। क्या होता था क्योंकि वही एक अकेले प्रोफेसर रहते थे जो मोटर कार में आते थे, बाकी सब तो उसे जाते थे, ये कार में आते थे। सर से आए कार खड़ी करी अंदर, घर से घुस गए दिखाई नहीं देते। तो लड़कियों ने हमने मिलकर के उनकी साइकिल का पंचर कर उनके मोटर का पंचर कर ये आप तो मिलेंगे दिखाई दे साहब, फिर भी नहीं दिखाई दी। उस बीच में कोई दूसरा उनका मोटा पंचर जो और ठीक करा लाया और गिराए उधर से, खैर बच्चन जी तो नहीं दिखा। हम लोग बड़े मायूस थे कि बच्चन जी के दर्शन नहीं हुए, हम लोग बच्चन जी के फैन। अभी सुना कि बच्चन जी एक हम लोगों के यहाँ विमेंस डिपार्टमेंट में स्वरचित काव्य प्रतियोगिता होने वाली है, स्वरचित काव्य प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप लोग उसमें भाग लीजिए। और सुना कि उसके जज बच्चन जी हो गया। हाँ साहब, लेकिन भैया अब यह है कि कविता लिखनी, स्वरचित कविता लिखनी है। अब स्वरचित कविता तो हम तो कविता वविता लिखते नहीं थे, और ये तो जानते थे कि कविताओं में प्रेम विम की बात होती है, तो क्या प्रेम होता है, क्या मिलन होता है, क्या विरह होता है, ये भी कुछ नहीं जानते थे। हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि बड़े बड़े कवियों की किताबें ले आए, एक उधर से लिया एक उधर से लिया, इधर से भाव लिया उधर से भाषा ली, अपना लिखवाई कविताएं, फिर सोच समझ के लिखी, उसमें अपनी इंटेलिजेंस काम हुई कि ऐसा नहीं लग रहा था कि बेकार कविता है, बढ़िया कविता बन गए। सब काव्य प्रतियोगिता हुई, बच्चन जी आए, बच्चन जी सुन रहे हैं, हम लोग सब अपनी कविताएं सुना रहे हैं, ध्यान से सब सुना जा रहा है। और सब प्राइज अनाउंस हुआ था, हमको तो फर्स्ट प्राइज मिला,
कविता तो बहुत बढ़िया बन पड़ी। बच्चन जी भाषण देने खड़े। बच्चन जी बोले, बहुत आप लोगों का मैं बधाई देता हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ, इस उम्र में भी ये भाव ये भाषा इतना अच्छा लिखना, सबको मैं बहुत बहुत ज़्यादा शाबाशी देता हूँ। फिर जहाँ मैं बैठी थी तो मेरी तरफ ही बिल्कुल आँख गड़ा कर एकदम मेरी तरफ देखते बोले बोले, पर आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप वही लिखें जो आपने जीवन में जिया हो, जिसे आपने भूखा हो, सुख हो दुख हो विरह हो मिलन हो, अच्छा हो बुरा हो पाप हो पुण्य हो, जो भी कुछ हो आपने भोगा है तभी उसे लिखें। दूसरों की भाषा और दूसरों की कही हुई बात जीवन भर काम नहीं देती है, एक दिन चल गई ठीक है, समझ गई भी। ये मेरी कविता के लिए कह रहे हैं और वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। उसी समय मैंने उन्हीं के सामने हाथ लगाया, कहा जीवन में कुछ भी करूंगी कविता कभी नहीं, और सचमुच मैंने कविता नहीं। तो इस तरीके का हमारा वो जब बच्चन जी के बारे में बताऊंगी, तो बहरहाल बच्चन जी ने सिखा दिया कि हमें अपना जिया हुआ जीवन जो है उसी के आधार पर करना चाहिए, बहुत बड़ी बात बता रही। तो इस तरह तो हम लोगों का जब हुआ शुरू विद्यार्थी जीवन, उसकी बात है। उसके उस काल में क्या होता है कि पढ़ने में तो माशाल्लाह हम तेज रहे हैं हमेशा, तो पढ़ने में तो तेज थे ही, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम बहुत भाग लेते थे। तो मजे की बात यह है कि भाई हमें तो पता नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के इंचार्ज थे डॉक्टर सरमीत भारती। तो आपको एक और घटनाओं में से छोड़ करके एक बताते हैं कि पद्मावत होने वाला था, पद्मावत जायसी लिखित पद्मावत, इतनी बहुत बड़ी किताब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताब, और उसमें से चीज ली जाएगी तो बहुत साहित्यिक दृष्टि से ऊंची चीज होगी। तो वो ऐसा था कि एक डांस ड्रामा होने वाला था जिसमें बसंत पूजन करने के लिए पद्मावती जाती। पद्मावती तो संसार की सबसे खूबसूरत औरतों में से सौंदर्य की प्रतिमान पद्मावती, उसको चुनाव की बारी आई थी। उस चुनाव की बारी में हमारे क्लास में पढ़ने वाली एक सुधा शर्मा नाम की लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसको चुना गया कि सुधा शर्मा पद्मावती बनी। ठीक है, पद्मावती का जो सारा श्रृंगार किया था वो गहनों से न करके फूलों से किया था, फूली फूल ऊपर से नीचे तक सिर्फ फूल, और वो किसी अपने परिचित के घर में से लहंगा और वगैरह सब कपड़े लाए थे, और किसी खास मेकअप करने वाले को लाए थे। तो भैया आप सब जानते हैं जो हीरोइनें दिखाई देती हैं उतनी सुंदर होती नहीं है, लेकिन इस मेकअप के बल पे सुंदर दिखाई देने लगती हैं। आप कभी निकट से देखिए तो कोई उतना सुंदर नहीं होता है। तो सचमुच में उस मेकअप ने कुछ कर दिया था कि अच्छे तुम दिखने लगे थे। वो ड्रामा हुआ और बहुत उसकी प्रशंसा हुई, बहुत वो पसंद किया गया। सचमुच वहाँ पद्मावती जब नृत्य करते हुए आते हैं और अपना घूंघट उठाती है, तो जैसे ही मैंने घूंघट उठाया सारे हॉल में से सी सी हवा जा रही थी, वो सब कमाल उस मेकअप का था। हमारी परिषद में ये चीज हुआ करती थी कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें से जो सर्वोत्तम होता था उसके बारे में एक बातचीत होती थी, और सब डिपार्टमेंट के पूरी यूनिवर्सिटी के सब लोग आकर के डिस्कस करते थे क्या हुआ था क्या नहीं। वो इसलिए बता रही हूँ कि उसके अगले वर्ष, अब मैं आपको थोड़ा सा साहित्य की ओर मोड़ना चाहती हूँ, अगले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ वो ये था कि डॉक्टर नगेंद्र ने एक लेख लिखा था और उसमें ये लिखा था कि महादेवी जी की कविताएं। उस समय देखिए महादेवी निराला पंत यही त्रयी थी
और समय उन्हीं वही सर्वोपरि बहुत ऊंचे थे। अब महादेवी की बुराई कर रहे हैं नगेंद्र जी कि उनका जितनी भी कविता है सब नकली है, रोना है, पीड़ा है, इतनी पीड़ा जीवन में होती नहीं है, तो कविता ऐसी सच नहीं है जो जीवन में जी हो। उन्होंने जीवन को लगता है जाना ही नहीं तभी कविता। मुझको बहुत बुरा लगा। तो मैंने हमारे यहाँ एक एमए में एक पेपर हुआ करता था निबंध, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा पढ़ाते थे, उन्होंने कहा सब लोग एक निबंध लिखिए और उसमें नगेंद्र ने जो बात कही है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। तो मैंने जो लेख लिखा उसमें कहा कि सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिए कि जो व्यक्ति स्वयं कवि नहीं है उसको कविता की समालोचना लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो नगेंद्र जी क्या जाने की कविता क्या होती है और नारी की पीड़ा क्या होती है और ये जो लिखना वो नारी भी नहीं है, आपको क्या जाने। और महादेवी को मैंने और सब बहुत अच्छा लेख लिखा था और उनको कंडम करते हुए लिखा था वो लेख। मैं तो उस समय तो आपको केवल नटखट में जो हंसी की बात है वही बताती हूँ, बाकी सब गंभीर लेख था। धीरेन्द्र जी ने वो बहुत पसंद किया गया। तो एक वर्ष का सबसे उत्तम कार्यक्रम माना गया था पद्मावती, अगले वर्ष सबसे उत्तम कार्यक्रम माना गया ये मेरा लेख। फिर होता है तो उस लेख को सबको पूरे यूनिवर्सिटी के हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ के सुनाया जाता है वगैरह, बड़ा ये एक सम्मान की बात होती है वो हुआ। अब देखिए मैं इस पर इसलिए लेख वाली बात आपको बताई मैंने कि यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये लेख बहुत पसंद किया गया, सब कुछ हुआ। हमारे रामकुमार वर्मा जी, आप लोगों ने नाम सुना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी नाटकों के जन्मदाता, वो हमें पढ़ाते थे और मैं उनकी सबसे प्रिय स्टूडेंट। उसी ये वाला मेरा जब लेख पढ़ा जाना था, इत्तफाक से मेरे पिताजी, फिर पिताजी की बात आई, मेरे पिताजी इत्तफाक से उन दोनों इलाहाबाद आए हुए थे, तो वो भी आए प्रोग्राम सुनने के लिए, उनकी बेटी को सम्मान मिला। वहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा से उन्हें मैंने मिलाया क्योंकि मुझे आगे रिसर्च के लिए पढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही थी। माँ बाप ने कहा था कि अब इसकी शादी कर देना है, पढ़ाई हो गई अब बस। तो मैंने रामकुमार जी से कहा था कि तब सर मेरे पिताजी से सिफारिश कर दीजिए ना कि मुझे आगे पढ़ना। तो उन्होंने बात होती है, तब सर कहते हैं देखिए हम मेरे पिताजी को पंडित जी कह रहे थे पंडित जी आपकी बेटी बड़े कुछ आगे बुद्धि की है, इसको आगे पढ़ने का मौका दीजिए, अभी से शादी मत करिए। तो पिताजी ने ये समझाया कि शादी कैसे नहीं करूँ, इसके आगे जो दूसरी बेटी है जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक उसकी कैसे होगी वगैरह। और दोनों में अब आपको बताना सब बेकार है, समझ जाएगा इसमें, दोनों में ये बहस होती रही कि करना उचित है या नहीं। कर नहीं तो अंत इस वाली बात पर हुआ। रामकुमार जी ने ये कहा कि देखिए मेरे एक ही लड़की, आपको तो आठ बच्चे, मेरे एक ही लड़की है, उसका नाम है राजलक्ष्मी और घर में उसको हम लोग मुन्नी कहते हैं। आज से पुष्पा बड़ी मुन्नी हुई, वो मेरी छोटी मुन्नी, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी का जिम्मा मैं लेता हूँ, मैं करवाऊंगा शादी, मेरे साकेत से, उनके बंगले का नाम साकेत था, मेरे साकेत पे आएगी बारात और मैं उसकी शादी कराऊंगा, आप शादी की चिंता मत करिए। अगर पिताजी नहीं मान रहे तो देखिए आप लोग इस सेंटेंस पे गौर करिएगा। रामकुमार जी ने कहा ठीक है पंडित जी, शालिग्राम की बटिया से आप मसाला पीसना चाहते हैं, स्वतंत्र। और ये एक वाक्य, इस वाक्य के आगे पिताजी अच्छा जैसी आप किया आगे हमको पढ़ाई करने के लिए मिल गया। तो अब मैंने आपको अभी अलाहाबाद की ही बातें बता रही हूँ। हाँ यहीं पर, हाँ आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत प्रिय है आपके दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को कौन नहीं चाहता आज के जमाने में आप लोगों में से सब। दुष्यंत कुमार की बात सुनिए, जब हम एमए में पढ़ने के लिए गए थे तब आगाह कर दिया गया था कि देखो यहाँ पर एक दुष्यंत कुमार नाम का लड़का है, दुष्यंत कुमार त्यागी, और वो
बहुत लंपट है, ठीक शब्द दिया आपने, और आप लोग उससे जरा सावधान रहिएगा, खास तौर से अगर आप लोगों में से कोई गुड लुकिंग लड़कियां सहेलियां हैं, सावधान रहे जरा। तो सबको कह दिया, हमने भी देखा था सचमुच, हम लोग की क्लास के सामने उस सुधा शर्मा जो सुंदर सी लड़की थी, अरे दुष्यंत कुमार जब देखो तब बस वहीं चला आता था अपनी क्लासे छोड़ करके, बस उसको एकता कैसे देखता रहे। हम लोग समझ गए, तो दुष्यंत के प्रति हम लोगों के विचार तो बड़े अच्छे नहीं बने, और हम लोगों ने कहा इससे तो दूर ही रहना है। दुष्यंत के दो दोस्त और थे, कमलेश्वर और मार्कंडेय। तो कमलेश्वर जी को भी हम लोगों ने सोचा कि जब ये दुष्यंत के दोस्त है, ये भी वैसे ही होंगे, उनको भी भाव नहीं देते थे, फिर हम लोग मार्कंडेय को भी नहीं देते थे, ये तीनों हम लोगों की लिस्ट से निकल गए। आगे चल के तो तीनों के नाम कहाँ पहुंचे हैं, आप लोग खुद सोच करके देखिए, खुद साफ आगे चल करके कहिए, तो वहां पर ऐसे थे, सुनिए आपने, आगे चल करके सुनिए। अब ये कि उन्हीं दिनों की बात बताते हैं, पहले आगे बात। एक दिन कुंभ का मेला लगा हुआ था, भारती जी को मेले ठेले में जाने का बड़ा शौक था अमेरिका से, तो भारती जी भी उस मेले में गए हुए थे, घूम रहे थे, तो वहां दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर, मार्कंडेय, ये तीनों भी घूम रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को देखा, हाय भागे भागे वहां पर, डॉक्टर साहब नमस्कार, भैया नमस्कार, डॉक्टर साहब अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अकेले अकेले तुम लोग देख नहीं रहे हो चारों तरफ कितने लोग, मैं कौन अकेला है, मैं कहाँ अकेला हूँ? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो बात अलग है, अभी आप आज चलिए ना, हम आप लोग हमारे संग चाय पीजिए, आज हमारे संग चाय पीजिए, आज आप मिल जाए डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पर चाय पी। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो मेरे पास जितने पैसे थे वो खर्च हो गए, अभी खाली 6 आने मेरी जेब में है, वो उससे रिक्शा लेके मुझे अपने घर तक जाना है, तो तुम लोग समझते हो तुमको चाय पिलाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं जानता हूँ इसीलिए कह रहे हो, मैं चाय आपके साथ ही, दुष्यंत तुमको पहचानता हूँ, ठीक हो गया भैया? नहीं नहीं डॉक्टर साहब क्या बात करें, आप इसलिए कह रहे हैं कि हम आपसे पैसे लेंगे, आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारे संग चाय पी लीजिए। डॉक्टर साहब मजबूर हो गए, अच्छा चलो। तो वो लोग एक कहीं सी मेज उठा लाए, चार कुर्सियां उठा लाए, तो आप लोग जानते हैं कि मेलों में ऐसा ही होता है, और लगा दिए बैठिए डॉक्टर साहब, अभी ऑर्डर देने के लिए गए ना, साहब देख रहे हैं कि चाय आ रही है, चाय के साथ रसगुल्ले, नहीं वहाँ पर जलेबी मिलती थी खास, जलेबी और समोसे चले आ रहे हैं, और जो कुछ काफी चीजें आ गई, चाय पी ली गई। उसके बाद अच्छा भाई अब चलने की सोचो, तुम लोगों ने बहुत बातचीत कर दी, बहुत बात हो गई, चलो चाय हो गई, हाँ चलते हैं डॉक्टर, एक दूसरे को देख रहे थे, सबने अपनी जेब से जितने भी पैसे थे सबने पैसे निकाले, और सबके मिला के पैसे भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, डॉक्टर साहब को समोसा भी खिलाया गया था, जलेबी भी खिलाया गया था, पैसे तो नहीं पूरे पड़ रहे थे, अब क्या किया जाए। तो दुष्यंत कुमार त्यागी इतने बड़े साहित्यकार, इतना बड़ा अमर कवि है, गजल में तो उसका नाम कभी जाएगा ही नहीं हिंदुस्तान से, हर इतिहास में दर्ज होने वाला नाम दुष्यंत कुमार। कमलेश्वर डॉक्टर साहब को लेकर आगे, चलो मैं आता हूँ पैसे देके आता हूँ, है मेरे पास यार, तुम लोग अपनी ये रेजगारी की मेरे जेब में नोट रखे, देके आता हूँ, चले गए। और ये तो गए हैं, लेकिन दोस्त तो जानते थे, आइए आइए ये किस्सा पूरा कर लें, आइए। तो आप लोगों मजा आ रहा है कि नहीं साहित्य बहरहाल, ये गए और कहा कि तुम आगे चलो, कमलेश्वर लेकर चलो, अच्छा कमलेश्वर आगे चलो, ये गए जा रहे हैं, बाकी के लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं कि मैं मुंह मार खाके आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि अपने अच्छी से निकोड़ते हंसते हुए वहां से कमलेश्वर चले आ रहे हैं, क्या हुआ पूछा, कैसे हंसते हुए आ रहे हो? तो कहा पता क्या चलता है कि जहां पर कैश काउंटर था वहां सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह थी वहां आप गए हैं, हाथ भी पीछे से
ऐसे हाथ घुसा करके कैशियर की तरफ कर, अरे भाई पैसे वापस करो, कब तक खड़े रखोगे? कितनी देर हो गई है, नोट ले तो जल्दी से ले लिया था, अभी दिलदारी देने में तुम लोग जान नहीं कर रहे तो आप जो आगे लोग, अरे भाई पैसे दे दो, चिल्ला तो वो बोला बेचारा हंसता वस्ता रहे, साहब भर भी इतने लोग हैं, हो जाता है कभी कभी, कितने पैसे थे साहब? तो क्या क्या कोई ज्यादा पैसे भी नहीं थे, अरे तुमको खाली 4.5 रुपए लौटाने हैं। 4.5 रुपए वहां से ले आए उससे, डॉक्टर साहब से कहते डॉक्टर साहब चलिए अब आपको बनारसी पान खिलाएंगे। अच्छा दुष्यंत कुमार का किस्सा सुन लिया आप लोगों के, टाइम की कितनी बात है, मेरे जब निकलती है तो फिर चीजें निकलती है, क्योंकि आपसे डरते हैं सारे यहाँ के लोग टाइम के मामले। तारागंज में रहती है, और आप लोग जानते हैं तारागंज में कौन रहता था? महाप्राण जीराला, वो भी तारागंज में रहते थे, और मेरा घर जो था वो सड़क के किनारे था। अपने घर की बालकनी से खड़े होकर रोज मैं देखती थी, रोज सवेरे निराला जी गंगा स्नान के लिए जाते और तहमत लगाए, बहुत भव्य आकृति, भव्य शरीर, क्या चाल, और बहुत खूबसूरत निराला जी, और मस्त एक तहमत लगाए हुए नंगे पांव चले जाते थे, क्योंकि हमारे घर के पीछे गंगा जी गंगा स्नान के लिए वो जाए दिखते थे। मैं ऊपर से ही प्रणाम करती थी, उन्हें दिखता भी नहीं था, लेकिन मैं प्रणाम करके धन्य हो जाती थी कि निराला जी को प्रणाम करके। उनका मैं देखती थी कि जब वो गंगा स्नान के बाद आते थे तो हमारे घर के सामने एक जगन्नाथ हलवाई की दुकान थी, उसकी दुकान पे थोड़ी देर वो ठहरते थे, और कभी लड्डू का मन हुआ तो लड्डू, कभी जिस भी चीज का मन हुआ, वो थाल उसके यहाँ जो रखा रहता था आगे सरका करके, उसमें से जितना उनका मन आता था खाते थे और बस पहलते हुए निकल जाते थे। एक दिन मैंने जगन्नाथ से पूछा था, भैया निराला जी को मैंने कभी पैसे तो देते देखा नहीं, और अच्छा खासा खाते थे, काफी खाते थे। तो माँ बोला, साहब हमारे धन्य भाग्य कि निराला हमारे यहाँ खाते हैं, वहाँ पैसे का क्या सवाल था, और हम आपको ये बता दें कि हम कभी घाटे में नहीं रहे, कभी सम्मेलन में जब ये जाते थे वहां जो पैसा मिलता था हमारी दुकान पे आके अपनी जेब में जितना पैसा होता था। तो भाई क्या होता है कि निराला जी, एक दिन मैं नीचे कुछ सामान भाभी ने बोला होगा दुकान पे से लेने जा रही थी, मेरी गोद में मेरा भतीजा था, छोटा सा, बहुत छोटा सा, 6-8 महीने का रहा हो, छोटा सा भतीजा, उसको उधर सामने से निराला जी आ रहे थे। अचानक निराला जी की मैंने प्रणाम किया, उनके गोद में बच्चा देख कहने लगे, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, क्या नाम इसका? मैंने कहा कि इसका नाम मेरी माँ ने दिव्य दर्शन रखा, सचमुच दिव्य दर्शन। ये कहकर के मेरी गोद से निराला जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। जब मेरी गोद से अपनी गोद में ले रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया मैं सितार सीखती थी, तो लड़कियां हमेशा सितार का मिजराब जो है यहाँ पहन लेती थी, पहने रहती थी ताकि पूर्णा जाए, मेरा मिजराब जो है वो निराला जी के हाथ से कटता है। निराला जी के हाथ से गोदी में बच्चा लेते हुए तो कहने लगे, सितार सीखती हो? मैंने कहा जी। अच्छा कहाँ है तुम्हारा घर? तो मैंने कहा जी यही तो है, दूसरे मंजिल का। तो कहते हैं चलो। कृष्णा जी सोचिए कि क्या मेरी स्थिति होगी उस समय, चलो हमको कौन ना कह सकता है, चल दिए। घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो मेरी भाभी भी धन्य नमस्कार, तो पधारिए, तो कहने लगे मैं अभी चाय लाती हूँ। नहीं मैं चाय पीने नहीं, मैं सितार देखने आया हूँ। सितार गए साहब मेरे कमरे में, गए सितार देखा, और सितार उन्हें बड़ा पसंद आया, क्योंकि लालमणि जी ने वो सितार मुझे बनारस से लाकर दिया था, तरफदार सितार, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सितार था, बहुत अच्छा। तो तरफदार सितार उन्होंने देखा, अरे बड़ा अच्छा सितार है,
अरे भाई इतने अच्छे सितार पढ़ता हूँ, सुनेंगे। और अपने हाथ से उन्होंने सितार मिलाया, उसके सुर मिलाए, तबला है, हाँ जी तबला, तबला ठोका, मिलाया सब के बजाओ। अच्छा जी क्या सुनेंगे, अपने मन का सुनाओ। मैंने कहा जय जय मन की सुनाओ, अरे हमारे सुनाओ। मैंने बजाया और मैं भी बावली जैसी हो रही थी कि निराला जी सुन रहे हैं मुझे, खूब मन से बजा रही थी, बहुत देर तक बजाती रही। हुआ काफी देर बजाने के बाद मैंने जाला वाला जब बज गया समाप्त किया, उनके चरण छुए, उठी, वाह 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 किया, उठे और जाने लगे। तो भाभी ने कहा कि कुछ रहते चले, कुछ थोड़ा सा मुँह मीठा करते। नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, बिटिया ने बहुत अच्छा बचाया, कह के मुझसे कहते हैं मेरे साथ आओ। तो बड़ा डर लगा, मेरे उनके साथ आओ कहाँ चले। तो मेरी भाभी ने इशारे से कहा तो चले आगे आगे हो पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। तो उस गली के आखिर में एक बजाजे की, बजाज आप समझते हैं कपड़ा बेचने वाला, कपड़े बेचने वाले की दुकान थी, वहां ले गए। और वहां ले जा करके कपड़े वाले दुकान वाले से कहते हैं इसने आज बहुत अच्छा सितार बजाया था, मैं बहुत खुश हूं, जो मांगे वो दे दे, भले ही सिल्क का थान मांगे वो दे दे, उनके मुंह से लेंगे जो मांगे। और कह के चलेगा। अब वो बोलता है दुकानदार मुझसे कि बिटिया क्या दें आपको। मैंने कहा भैया देखो हम ब्राह्मण लोग हैं, भिक्षा ऐसे नहीं लेते हैं, वो भी दूसरा ढंग होता है। हम लोग भिक्षा लेते हैं लेकिन उसका दूसरा ढंग होता है, अगर सम्मान के साथ दी जाती है उसके बाद लेते हैं, हमारा पढ़ना पढ़ाना काम नहीं लेते। कहने लगा आप तो नहीं ले रही लेकिन कल निराला जी आएंगे और पूछेंगे कि क्या दिया था, और पता चलेगा हमने कुछ नहीं दिया था तो हमारी दुकान की चीजें बाहर होंगी, हम अंदर रह जाएंगे, उनका गुस्सा आप लोग नहीं जाना, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं लेना, हम नहीं लेना। तो उसने अपने आदमी को बोला है कि निराला जी ने सिल्क के थान की बात की थी, जाओ पूरा एक थान ले आओ और इनको बिटिया को घर तक छोड़ा। अरे मैं चाहिए तो गजब हो गया। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो वहां से एक सादा सा कॉटन का कपड़े में से अच्छी सी छीट, मुझको हमेशा से छीटदार कपड़े पसंद आते, एक छीट भी कहा इसको एक ब्लाउज का कपड़ा मुझको। तो एक छीट का ब्लाउज का कपड़ा लेके मैं चली गई। खैर सबने सुना ये बात, सबको बड़ा मजा आया। काफी दिनों की बात है, कई वर्षों बाद की बात है, मेरे घर शिवानी जी आई। शिवानी जी उस समय भारती जी ऑफिस में थे, देर के आने को, तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे। शिवानी जी का भी नाम आप सब जानते ही होंगे। तो शिवानी जी बातों बातों में, उन बातों में बात आई, मैंने उन्हें बताया कि शिवानी जी मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं खाली एक ब्लाउज का कपड़ा लेके चली है। तो शिवानी जी कहने लगी पुष्पा तुम अगर मूर्ख थी तो मैं तो भैया महामूर्ख, आपने क्या की। तो कहने लगी हम वहां शांति निकेतन में पढ़ते थे, शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हम लोगों को पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम लोग। एक दिन इसी तरह से क्लास लगी थी, आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही थी, गुरुदेव बड़े मगन होके पढ़ा रहे थे। और उस दिन उनका पता नहीं क्या मूड आया, उन्होंने कहा भाई कुछ आप लोग भी अपने लिखा पढ़ बताओ सुनाओ। तो मैंने एक कविता अपनी सुनाई थी, शिवानी बोली, उपन्यासकार कहानीकार शिवानी, तो बोली कविता सुनाई। कविता सुन के गुरुदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने ये जो चोगा पहनते थे वो उतार के मेरे हाथ में दिया और कहा ये तुम्हारा होगा, बहुत अच्छा साहब क्या बात। शिवानी जी बोलती है तो मैंने कहा इसमें महामूर्खता की कहाँ बात हुई, ये कह के आप चुप हो गई, जरूर कोई बात आगे होगी तो कह लो बताती हूँ, बोली बताती हूँ क्या बात। बोली बहुत दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे एक काली साड़ी लाके दी थी
मैंने सोचा उसके बेटी को आप सोचिए मेरे माँ दीदी क्या किया आपने, वो चोगा होता आज हम देखते उस चोगे को छूते उस चोगे को सिर लगाते कि रविंद्रनाथ ठाकुर का चोगा है, तो ऐसे ऐसे साहित्य में साहित्यकारों के न जाने कितने संस्मरण न जाने कितनी बातें हैं मेरे पास के बाप को क्या सुनाऊं भी मैं इतने से रहने देते हुए अच्छा रुके। इलाहाबाद की एक और बात आपको सुनाएं, भी महादेवी जी का नाम लिया था ना, महादेवी जी, और ये भी मैंने बताया था कि मैंने महादेवी जी के लिए निबंध लिखा था महादेवी जी के पति, तो राम कुमार जी ने महादेवी जी के बताया होगा कि एक लड़की है और उसने ऐसे ऐसे लिखा था, तो महादेवी जी ने कहा होगा अच्छा मैंने तो अपने बारे में इतनी इस तरह बात नहीं सुनी है, तो कहने लगे मैं लाता हूँ उसको, मैं लाता हूँ आपसे, आप उसके मुंह से ही सुनिए। राम कुमार जी मुझे ले गए थे महादेवी जी के घर वो लेख सुनवाने के लिए, मैं गई मैंने महादेवी जी को अपना लिखा वो लेख सुनाया, महादेवी जी सुनती रही सुनती रही, उनके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा था, जिस एक्सप्रेशन से सुन रही थी मैं सोच रही थी अभी कुछ उधर से प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिलेगी, कुछ नहीं, लेख सुना के खत्म किया कुछ नहीं। महादेवी जी उठी, उठ करके हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद महादेवी जी आती हैं अपने गार्डन में, उनको बड़ा शौक था फूल पौधे फलों का पेड़ लगाने का, अपने हाथ के लगाए हुए अमरूद दो तोड़ के लाती हैं एक तश्तरी में, अमरूद है तश्तरी में, चाकू है, ताकि बैठती हैं, अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अमरूद को बाकायदा वो तराशती हैं आंखें करती हैं और सबसे पहले एक आंख उठा के मेरे मुंह में रोज, बस आप लोग समझिए कि मैं आंसू 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 रो पड़ी, बड़े से बड़ी मेरी वो तारीफ करती बहुत बहुत शाबाशी देती वगैरह, इस सब से ये आशीर्वाद ये प्रशंसा। साप्ताहिक हिंदुस्तान सारिका सारी पत्रिकाएं लोग मंगाते थे, लेकिन इसके इस तरह से पूरे देश में कई लाख प्रतियां धर्मयुग की चली जाती थी और विदेशों में भी धर्मयुग बहुत प्रेम से पढ़ा जाता था और हम लोग नियमित पाठक थे तो ये दिखाई पड़ता था, उसमें मॉरिशस से अहिमन अनंत भी रचनाएं भेज रहे हैं और न्यूयॉर्क से उषा प्रेमदा की भी रचनाएं आ रही हैं, तो पूरी पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक पत्रिका धर्मयुग थी, और उसने जैसे पुष्पा भारती जी ने सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया तो हिंदुस्तान की प्रायः लगभग सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन छपा और विश्व की 18 भाषाओं ने उस आपके इंटरव्यू का अनुवाद किया, इतना मतलब धर्मयुग का जलवा था और इतना अच्छा पुष्पा जी लिखती थी कि लोग इस तरह एक जरूरत महसूस करते थे। तो विश्वनाथ जी का सुझाव है आगे बढ़ने से पहले कुछ आपसे सवाल जवाब किया जाए, रविंद्र कात्यायन जी प्रोफेसर हिंदी विभाग मणिमहेंद्र नानावटी कॉलेज, कोई सवाल आपके मन में कोई जिज्ञासा, थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है मान लीजिए लेकिन बात सच है। तो पुष्पा जी को जब बाद में धीरे 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 हमने समझा पढ़ते खुलती गई, जैसे वो प्यास के अंदर पढ़ते हो गया ना एक के बाद उससे ज्यादा कॉम और ज्यादा अच्छी ज्यादा सुंदर दिखने वाली, वैसी पढ़ते हैं पुष्पा जी के व्यक्तित्व की हैं जो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उनका स्नेह मिलता रहा, ढेरों लोगों को आपने स्नेह दिया है हम सबको दिया है उसके लिए हम आभारी हैं आपके। लेकिन जहाँ तक उनके साहित्यकार कार उनकी पत्रकारिता का सवाल है, मुझे लगता है ये तो सही है कि उन्होंने भारती जी को तेल दिए में तेल डाला था जलता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो पौधा जो था वो वटवृक्ष के नीचे आ गया बेचारा। भारती जी वटवृक्ष थे, उनके नीचे किसी पौधे का पनपना कोई आसान काम नहीं हो जाता। पुष्पा जी की लेखनी अगर आप देखते हैं जब भी पढ़ते हैं हम जब भी पढ़ते हैं तो लगता है कि इस लेखनी में कुछ कमाल है कुछ ताकत है, और ये लेखनी अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, जो नहीं चाहा पुष्पा जी ने मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब भी जो भी लिखेंगे पुष्पा जी वो सचमुच साहित्य की एक निधि होगा। पुष्पा जी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ कह दी गई,
सोनिया गांधी का इंटरव्यू, उसकी बात भी यहाँ पर हुई, देश दुनिया की 18 भाषाओं में, भारत की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए। वो सोनिया गांधी का हिंदुस्तान में पहला इंटरव्यू था जो धर्मयुग की संपादक की पत्नी पुष्पा भारती को दिया गया था। वो छोटी बात नहीं थी, और वो अकेला ऐसा इंटरव्यू नहीं था जिसकी चर्चा हुई। अमिताभ बच्चन वाले इंटरव्यू की भी चर्चा हुई है, वो भी इसीलिए इतना बढ़िया बन पाया कि उसे पुष्पा भारती ने लिया था। और एक इंटरव्यू और था जो आपने किया था सचिन तेंदुलकर का, वो भी पहला इंटरव्यू था सचिन तेंदुलकर का जो किसी पत्रिका किसी अखबार पत्रिका में छपा था, धर्म में छपा था। तो पहले इंटरव्यू लेना और ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों के कोई आसान काम नहीं हुआ करता है। और ऐसे इंटरव्यू जो आज 20 साल बाद हम याद कर रहे हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए पर एक भी किसी को याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद है। नहीं याद है क्योंकि है ही नहीं ना, कुछ दम होना चाहिए ना उसमें। एक दमदार जो आवाज हम सुन रहे थे अभी, दमदार आवाज के पास बहुत सारी ताकत थी लिखने की, उनकी कुछ किताबें जिनकी चर्चा हुई। हम एक मुख्तार राजे नाम की लेखिका को आपने नाम सुना कभी? अगर उस जमाने घर में पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा ये नाम। हम लोग पूजा करते थे मुख्तार राजे कौन है, भारती जी उस नाम से भी छिपाते थे। बाद में पता चला एक दिन अचानक वो तो कुशल भारती लिखती है। लोग कहते थे कि तो भारती जी खुद लिखते हैं मुख्तार राजे के नाम से। जब ये बात कही गई तो पुष्पा जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा था इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि मेरे लेखन को लोग भारती जी का लेखन समझ रहे हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भी लेखक के लिए कि धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकार को उनके समकक्ष रखने की बात की जा रही हो। तो मैं नहीं जानता मुझे और क्या बोलना चाहिए। आज के जितने साहित्य का हमने देखा है उनके साहित्य का स्वरूप मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। एक भारती जी का एक नाटक है अंधा युग, पर इनकी काव्यकृति है कनुप्रिया। दोनों दो ध्रुव हैं, एक युद्ध की कथा है दूसरी प्रेम की कथा है। भारती जी ने दोनों को अलग अलग लिखा है लेकिन पुष्पा भारती ने उन दोनों को मिला करके एक नाटक बनाया था। मैं चाहूंगा कि आप में से यदि किसी को भी मौका मिले तो वो नाटक जरूर देखिएगा, और कहीं भी हो रहा हो, कि किस तरह प्रेम और युद्ध को जोड़ा जा सकता है और किस योग्यता के साथ किस कुशलता के साथ इस चीज को पिरोया जा सकता है चीजों में, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। तब पता लगेगा कि पुष्पा भारती नाम लेके अभी कलम में कितनी ताकत है। हमने बहुत कुछ लिखवाया है उनसे, बार बार लिखवाता रहता हूँ, अभी भी लिखवाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व को हमें सुनने का मौका मिल रहा है, इसे व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुष्पा जी, हम चाहते हैं आप इस तरह हमारे लिए अपने लेखन को और धार दें। हमें अभी बहुत कुछ चाहिए आपसे, अभी आपको बहुत कुछ हमें देना है और हमें बहुत कुछ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी अभी स्वामी उमा कक्कर जी पधारे हैं, आप गालिब एकेडमी के चेयरमैन हैं वाराणसी में, तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छा स्वामी जी, आपके आने से पहले पुष्पा भारती जी करीब 1 घंटा बोल चुकी हैं और आप जो है हम सबको भी आशीर्वाद दे दें और दो शब्द आदरणीय पुष्पा भारती जी के बारे में बोले, उसके बाद फिर हम लोग सुनेंगे। आप जहां हैं बैठ के भी बोल सकते हैं, खड़े जैसे भी आप चाहें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, आदरणीय पुष्पा जी को भी प्रणाम, और बहुत धन्यवाद कि मैं 1-2 दिन के लिए बस मुंबई मेरा आना हुआ और पुष्पा जी ने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। पुष्पा जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत अवार्ड मिले हैं साहित्य से जुड़े, शायद भारत में जितने बड़े अवार्ड्स होंगे वो सब इनके ज्वाइंट रूम में सजे होंगे। एक उसे हम सम्मान या पुरस्कार तो नहीं कहते, एक उपाधि जो हम हर साल मिर्जा गालिब की याद में वाराणसी में देते हैं,
और वो ऐसे इंसान को देते हैं हम लोग जो जिसने अपनी जिंदगी में मोहब्बत का प्रसार करने में प्रचार करने में जिसने अपना जीवन बिताया हो। और उस अवार्ड को जब हमने शुरू किया था चिरागे दैर के नाम से, तो उसमें सबसे शुरू में जो नाम हमारे पास आया और जिसको हमने दे करके ये उपाधि ये समझा कि अपनी सही जगह पर है, डॉक्टर पुष्पा भारती जी हैं। पुष्पा जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही होंगी, मैंने पुष्पा जी को बहुत बार सुना है, अपने पास सुना है, लेकिन आज मैं अपना दुर्भाग्य पे थोड़ा रोऊं कि हर बार पुष्पा जी नहीं मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं कई बार कहता हूँ कि भारत में या दुनिया में बहुत कम बायोग्राफीज ऐसी मिलेंगी किसी व्यक्ति की लिखी हुई जो बहुत अपने आप में एक एपिक बन जाती हूँ। एक योगानंद जी की है बायोग्राफी, योगी की बायोग्राफी आत्मकथा, जिसको पढ़ते हुए आप पूरे के पूरे भारत में जो योग परंपरा है, तंत्र परंपरा है, उसका भ्रमण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि अगर हिंदी साहित्य की दुनिया में आपको घूमना है तो पुष्पा जी से बात करना होगा। आप इनसे बात करते हैं, इनकी बायोग्राफी में लगभग पूरा भारत का जो साहित्य है नया, जो खासतौर पर हिंदी साहित्य है, वो सब और पश्चिम का भी बहुत खूबसूरत साहित्य आपको इनकी इनकी बायोग्राफी में मिल जाता है। और यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ एक ऐसे आलोचक, सभी के आलोचक होते हैं कभी कभी, कुछ लोगों ने, मुझे याद है जब पुष्पा जी को चरागे दैर दिया गया और वाराणसी जब पुष्पा जी आई और यहाँ से गई, तो उसके बाद एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि पुष्पा जी का जो कार्य है उसमें उन्होंने अपना बहुत काम किया है, दूसरों पे बहुत काम किया है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो मैं उस वक्त जो उनको उत्तर दे रहा था, मैं उसी बात को बस यहाँ एक छोटे में रखना चाहूंगा। जब हम साहित्य में आलोचना और समालोचना की बात करते हैं तो आमतौर पर उसमें आलोचना के नाम पर निंदा बहुत अधिक मिलती है। लोगों ने पंत, तुलसी, सबको निंदा करने में ही ये समझा कि हमारे आलोचक होने का जो सारा गुण है वो निंदा में छुपा हुआ है। विशेष करके वामपंथ की जो धारा रही उसमें आलोचना का मतलब हो गया निंदा पूरे तौर पर। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के गुण में भी, और ये अप्रिशिएट भी होता है, जब हम किसी की निंदा किसी के मुंह से बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं तो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर निंदक बहुत अच्छे से जीवित रहता है। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रशंसा एक दुर्गुण है, लेकिन साथ ही साथ प्रशंसा अपने आप में भारत का जो मौलिक चिंतन है उसमें प्रशंसा का बहुत स्थान है। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो बिना प्रशंसा के शुरू होता हो, और प्रशंसा करने वाले को हमारे यहाँ ऋषि और महर्षि और ब्रह्म ऋषि और वाद ऋषि के जैसे शब्दों से पुकारा। प्रशंसा एक बहुत ही विरल गुण है, सबके पास प्रशंसा नहीं होती है। प्रशंसा करना या किसी के विषय में ऐसे शब्द लिखना या ऐसी बात लिखना जो प्रशंसनीय हो, मुझे लगता है वो तलवार की धार पर चलने जितना होता है, क्योंकि अगर आप प्रशंसा करते वक्त जरा से चूके तो वो चापलूसी में बदल जाएगी, और अगर दूसरी तरफ झुक गए तो व्यंग में बदल जाएगा। तो बहुत ही सद करके, बड़ा स्थित प्रज्ञ होकर के आपको किसी की प्रशंसा करनी पड़ती है, और वो स्थित प्रज्ञता किसी के विषय में, चाहे वो बच्चन की बात हो रही हो, चाहे भारती जी की बात हो रही हो, चाहे वो निराला की बात हो रही हो, महादेव वर्मा की बात हो रही हो, किसी की बात हो रही हो, अगर पुष्पा जी बोल रही है तो प्रशंसा कर रही है और पूरी स्थित प्रज्ञता में करती है, न वो कभी भी चापलूसी में जाती है और जरा सा भी वो कभी ना तो व्यंग की तरफ जाती है। तो ऐसा अद्भुत गुण हिंदी साहित्य में मुझे नहीं लगता है किसी और के पास है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पुष्पा भारती का कमाल है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पुष्पा जी शतायु हों और लगातार हम सब के बीच में ये जो साहित्य के अमृत है, जो तमाम कवियों ने निचोड़ा, जो ये शहद जो बनाया, ये हम सब के बीच में पुष्पा जी के हाथ से आता रहे और हम सब इससे लाभान्वित होते हैं। शुक्रिया स्वामी जी। और अब बिना कोई विलंब किए हम आदरणीय पुष्पा भारती से फिर अनुरोध कर रहे हैं, आपने बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ स्वामी जी की कि वो पधारे, जिनके दर्शनों के लिए लोग लालायित रहते हैं, मेरी एक आवाज पर चले आए, बहुत आभारी। मुझे ऐसे एक पुरस्कार मिल गया कि आज
मेरे सामने मेरे साथ स्वामी जी बता रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो सुना रही थी अपने जीवन यात्रा के साथ साथ इलाहाबाद तक चली आई वो सुनाया। अब यह है कि अब बम्बई आ जाऊं, तो मैं बम्बई आ गई थी। बम्बई सन 1960 में आई। बम्बई के पहले मैं चली गई थी कलकत्ता में, क्योंकि मेरे को जो सब्जेक्ट एक दिया गया था कि सिद्ध और नाथ संप्रदाय का तुलनात्मक अध्ययन, इस पर मेरी रिसर्च थी। तो इसके लिए जब मैं रिसर्च करने के लिए चली, तो पता चला कि इससे संबंधित पुस्तकें जो हैं वो मुझे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में ही मिल सकती हैं, यहाँ की लाइब्रेरीज में नहीं मिलेंगी, और रिसर्च के लिए आवश्यक है कि उसे पढ़ा जाए जाया जाए। उसके लिए मैं कलकत्ता गई हुई थी, और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी। देखिए, अभी आपको जो मैंने महादेवी जी की बात बताई थी, देखिए मैं महादेवी निराला सबकी बात, और स्वामी जी के मुंह से वही सब नाम निकले थे, आप लोगों ने गौर किया जैसे ये सुन रहे थे वहां से कि मैं बात कर रही हूँ, कहाँ से सुन लेते हैं आपकी, मैं तो जानती हूँ जनता नहीं जानती। तो बहरहाल मैं बात कर रही थी ना आप लोगों को, आप देखो क्या बात कर रही थी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के रिसर्च के लिए। तो शिक्षा माँ सीताराम सेकसरिया नाम के एक बहुत वृद्ध सज्जन थे, जिनके नाम से एक पुरस्कार मिलता था, यानी महादेवी जैसी व्यक्ति को सीताराम सेकसरिया पुरस्कार जब मिला था तो सारे भारत में इसकी गूंज हो गई थी, और बताएंगे महादेवी को सीताराम सेकसरिया पुरस्कार मिला। उन सीताराम जी से मेरी भेंट हुई थी कलकत्ते में। वो कैसे हुई थी कि मैं तो रिसर्च के लिए गई थी, मेरी बड़ी बहन वहाँ रहती थी, उनको शिक्षायतन स्कूल एक था वहाँ पर, एक वॉन्ट निकली थी टीचर की, तो उन्होंने कहा कि पुष्पा जरा तू स्मार्टली बात कर लेती है, मुझे तो जरा ठीक से बात करना हमें नहीं आता है, तो मेरी जरा सिफारिश कर दे। और सेकसरिया जी से मेरे लिए मिला, मुझे वो पोस्ट चाहिए। तो मैं सीताराम सेकसरिया जी से उनकी सिफारिश करने के लिए उनकी अर्जी लेकर के गई थी कि ऐसे ऐसे है। वो मुझसे बात करने लगे और मुझसे पूछा कि आप, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रिसर्च के लिए आई। तो सीताराम सेकसरिया मुझसे बोले, हम आपकी बहन को दे देंगे ये नौकरी एक शर्त जी। कृपा करें, तो सीताराम सेकसरिया से बात कर रही हूँ, एक शर्त। मैंने कहा जी आप जो आज्ञा दें। तो कहने लगे कि यहाँ पर उस स्कूल का एक डिग्री कॉलेज भी हमारे यहाँ है, पिछले वर्ष ही खोला है, उस डिग्री कॉलेज में आप लेक्चरर होके आ जाइए, तो हम क्या आपकी बहन को दे। तो मेरी बात तो से पता नहीं उन्हें क्या दिखा होगा, तो मेरी इतनी छोटी तो उम्र, सन 1956 की ये बात है, मैं महज 21 बरस की लड़की को कोई कहे कि डिग्री कॉलेज में लेक्चरर आप हो जाइए, तो डर लगता है कैसे हाँ कर दे। तो मगर मैंने जब कहा कि जी मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी, पिताजी कहने लगे बेटा हमारे लिए तो सपना था, तुम तुरंत हाँ कह दो क्यों नहीं। मैंने कहा पिताजी मेरी रिसर्च बोले वो पूरी होती रहेगी, पढ़ते रहना हाँ। तो साहब ने उस कॉलेज में पढ़ा लिया, ईश्वर की कृपा हुई कि बहुत पॉपुलर टीचर हो गई। मेरी विद्यार्थियों में से आप कईयों के नाम जानते होंगे, उषा गांगुली को जानते हैं ना आप लोग, इतनी बड़ी रंगकर्मी उषा गांगुली, उसे मैंने पढ़ाया है। आप कुसुम खेमानी को जानते होंगे, वागर्थ जो पत्रिका निकलती है उसकी कुसुम खेमानी, मलिक खेमानी, इस तरीके से बहुत से नाम। देखिए विमल महाश्वेता देवी, विमल मित्र, ऐसे बड़े बड़े बंगाल के जो लेखक थे, उनसे कोई अगर उनका पुस्तक अनुवाद करने के लिए परमिशन मांगने जाए तो कहते थे अगर सुशील गुप्ता अनुवाद करेगी तो ले लीजिए। इतने बड़े लेखक लोग, वो सुशील गुप्ता, वहाँ मेरी बेटी सरीकी थी उसको मैंने पढ़ाया था। देखिए ऐसी ऐसी लड़कियाँ थी बहुत बहुत वहाँ पर, सबके साथ में मुझे भी अच्छा लगा, 4 साल मैंने पढ़ाया। तो कलकत्ता में से पढ़ा करके फिर मैं जब आई हूँ बम्बई, तो बम्बई में भैया मेरा जरा भी मन नहीं लगता था,
कलकत्ता का कल्चर बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था, मुंबई में बहुत खराब लगता था। जरा थोड़े दिन बाद मेरा जी उठ गया था, मैं परेशान थी, समझ में नहीं आता था। ये भी नहीं कि भारती जी तो सवेरे गए ऑफिस के लिए, निकले तो शाम को पधारते थे, तो तब तक सारे दिन क्या करूँ। तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाती थी। वार्डन रोड के पास में एक समुंदर ब्रिज, कैंडी का समुंदर बहुत बड़ा, वो घूमती थी, देखती थी, अच्छा लगता था। वहाँ मैंने देखा था कि एक दुकान थी जहाँ पर नेपाली और चाइना की और तिब्बत की अनोखी अनोखी सुंदर कृतियाँ रहती थी, कलाकृतियाँ बिका करती थी, उनमें से कभी खरीदती कभी देखती, सिर्फ चली आती, वहाँ मैं अक्सर जाया करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर किताबों के ढेर लगे हैं और किताबें और मैगजीने बेच रहा है फुटपाथ पर। मैंने देखा जा करके, अरे उसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी मैगजीने, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें। तो मैंने उसके यहाँ से किताबें खरीदी, मैगजीने ली, खरीद के ले गई और मुझे बड़ा सुख मिला। दूसरे दिन फिर गई थी, एक किताब देखा मैंने, मुझे बड़ी पसंद आई, वो किताब मैं खरीद ली थी और पैसे देने जा रही थी उसको, खरीद के मेरे हाथ में थी, पर्स खोल रही थी उसको पैसा देने के, इतने में पीछे से एक व्यक्ति आता है, अरे अरे मैं तो यही किताब लेने आया था, ये किताब मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी आप आए हैं, लेने आए हैं, मैं आ चुकी हूँ, आपको खरीदना है, मैं खरीद चुकी हूँ, ये किताब मेरी हुई आपको नहीं हुई। और ऐसी किताबें तो एक ही याद होती है उन लोग के पास, एक किताब की प्रति दूसरी थोड़ी होती है। उन्होंने अपना किताब ली, चली आई, जरा सा पीछे मुड़ करके देखा तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ बड़ी अग्नेय दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था। मैं अपना चली गई, ये चली वो चली वो गई, खैर खत्म हुआ। 3 दिन के बाद क्या होता है कि अपने आए एक निमंत्रण आता है, मुझसे भारती जी बोले पुष्पा जी आपका मन नहीं लगा करता है, आज शाम को एक अच्छा कार्यक्रम है उसमें जाना है, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे चलेंगे। तो उसमें ऐसा था कि भारती जी की और निराला जी की कविताएं पढ़ी जानी थी और एक नाटक पढ़ा जाना था, बोगस नाटक कैसे लिखा बोगस नाटक कैसे लिखा जाता है और ये कविता अच्छा रोचक होगा कार्यक्रम। हम लोग पहुंचे भूलाभाई देसाई इंस्टीट्यूट में, वो कार्यक्रम होना था वहां। कार्यक्रम शुरू होता है, एक व्यक्ति प्रकट होता है, मैं सत्यदेव दुबे आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। अरे बाप रे, ये सत्यदेव दुबे, ये वही आदमी थे जिनको मैं इस तरह किताब के लिए डांट रही थी, ये इतना सत्यदेव दुबे, इतना बड़ा आदमी, उसके साथ मैंने ऐसे पेटा जो मुझे बोली आज मेरे कोई दुर्गत तो बनेगी। दुबे जी तो मशहूर था कि बहुत लड़ाकू है, बहुत गुस्से वाले हैं। ठीक है भाई, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में दुबे जी ने कविताएं पढ़ी, क्या आवाज, क्या पढ़ने का ढंग, निराला जी की भारती जी की कविताएं पढ़ी तो ठीक है मैंने सुन लिया। कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम लोग जैसे कार्यक्रम खत्म होता है तो पीछे कलाकारों से मिलने के लिए जाते हैं, तो मैंने सब लोग उनको कह रहे थे वाह वाह कह रहे थे, गले मिल रहे थे, क्या कार्यक्रम हुआ वगैरह। तो मैंने उनसे कहा जी क्षमा करें तो मैं एक बात कहूँ कि कार्यक्रम तो सचमुच अद्भुत हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि दुबे जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा था, लेकिन आपके पढ़ने पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कहिए तो सुनाऊँ, बताइए क्या बात है। बोले लेकिन देवी जी बताइए आप हैं कौन। तो मैंने कहा वो भी गुस्सा, उनको भी मालूम था, वो देवी जी आप हैं कौन। मैंने कहा जी मैं एक अध्यापिका हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। वाह बड़े बेहद से अध्यापिका भी विद्यार्थी भी जी दोनों। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक व्यक्ति केवल अध्यापक बना रहेगा कुछ नहीं कर सकेगा, जीवन को विद्यार्थी हमेशा बना रहना चाहिए, जब आप विद्यार्थी बने रहेंगे तभी हाँ। तो वो जरा थोड़ा सा उनका जो व्यंग की मुद्रा थी वो खत्म हो। फिर बोले नहीं आप क्या बात सुनाना चाह रही थी बताएं। मैंने कहा जी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ पर एक बार एक प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता होनी थी और उसमें सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ पढ़ रहे थे,
तो उसके जो मैं भी थी, एक अपनी कहानी मैंने भी पढ़ी थी, तो उसमें जो जज थे वो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह थे, और दूसरे नाम तीन जज थे, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह थे, एक कुल और तीसरे बड़े आदमी थे, और एक धर्मवीर भाटी, तीन एक जज थे वहाँ पर। उपेन्द्रनाथ अश्वथ, उन्हीं की तो बात बता दी जा रही, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेन्द्रनाथ अश्व और धर्मवीर भाटी जज थे। तो मैंने कहा कि उनमें से जब भाषण देने के खड़े हुए तो उपेन्द्रनाथ अश्व जी खड़े हुए, और उन्होंने तारीफ की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं और आप लोग तो आगे चल के बड़ा नाम कमाएंगे, ये वो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जरा अपने उच्चारण को संभालिए, आप लोगों का उच्चारण जरा ठीक है, अबे एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, उच्चारण तो स्वयं कह रहे हैं उच्चारण, तीसरी बार मुझको बड़ी जोर से हंसी आ गई, रोक नहीं सकी मैं अपनी हंसी, सारा हॉल वहां पर हंस पड़ा था इस वाली बात पर। तो ये मैं अष्ट जी की बात आपको सुनाना चाह रही, रुबे जी तो इंटेलिजेंट, माधा जी मुझसे कौन सी लाइन में किस शब्द का उच्चारण गलत हो गया, तो मैंने बताया जी अमुक लाइन में अमुक बात आपने ये बोली थी, ये होता है उच्चारण से। तो उन्होंने ये मैं उन्हें बता ही रही थी कि इतने में भारती जी बोले, पुष्पा जी विप्रवर के संग आप मत भिड़िए, याद करिए अष्टावक्र को, अभी अगर जो है एक श्राप दे देंगे आप ऑटो फोन से टेरे हो जाएंगे और बस कर। तो उन्होंने बोले आए आप पुष्पा जी हैं, उनको भी नहीं मालूम था तब तक कि मैं भारती जी की पत्नी हूँ। हो माफ कीजिए, मुझको क्षमा कीजिए, आज का दिन है और मैं वायदा करता हूँ कि दूसरे दिन से उच्चारण में कहीं कोई गलती नहीं। ये उन्होंने प्रॉमिस की प्रार्थना है। और दोस्तों सुन के आपको बड़ी खुशी होगी कि इस वाली बात के लिए प्रसिद्ध दुबे जी रहे कि वो उच्चारण के ऊपर बहुत बल देते थे, कौन सा उच्चारण कैसे करना है, किस शब्द पर, किस अक्षर पर, कहाँ पर जोर देना है, कहाँ धीरे से कहना, ज्यादा कहना, मशहूर थे इस वाली चीज के। तो मुझसे उस दिन वायदा किया था, उसको वो पूरा करते रहे थे। तो ऐसे दुबे जी जो हैं, और उसी दिन के बाद से वो मुझको माता जी कहने लगे, ऐसे दुबे जी का से मेरा सबसे पहला परिचय उस प्रकार के गुस्से से और इस प्रकार के उच्चारण की बात से हुआ। धीरे धीरे हम लोगों में जो परिचय का ज्यादा घनिष्ठ होता चला गया, तब आपको मैं बता नहीं सकती कि कैसे वो तो मेरे घर के सदस्य हो गए। एक उदाहरण खाली आपको देती हूँ कि देखिए वो दुबे जी के बारे में बता दूं कि वो कब उनके घर की हमारे घर के सामने रहने आ गए, पहले कहीं और रहते थे, फिर वो साहित्य सहवास में हमारे घर के सामने ही रहने लगे, तो रोज आना जाना। अगर मैं किसी दिन देखे हम लोग कि बड़े अच्छे कपड़े पहने चले जा रहे हैं, बाल बाल खड़े हैं अच्छी तरह से, तो सब लोग सोचते थे कि उनकी तबीयत आज खराब है क्योंकि कभी ढंग के कपड़े उन्होंने नहीं पहने जी। कभी अगर वो लंबा सा कुर्ता पहन करके चले जाए तो समझ लीजिए कि रात उनकी अमरीश पुरी के घर में बीती, सवेरे नहा करके अमरीश का कुर्ता लेकर पहन करके। नहीं नहीं नहीं, आप बनाइए कुकर चढ़ाइए, और वो मौजूद हो गए। मौजूद हो गए तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, मैं अब भी आपके लिए और ब्रेड वगैरह भी कुछ दे देती हूँ उसके बाद। नहीं नहीं वो सब नहीं है, अखबार दे दीजिए आप, मैं अखबार पढ़ता हूँ और आप बनाइए। ठीक है, बड़े अच्छे मूड में, तो मैंने उनको अखबार दे दिया, वो अखबार पढ़ने के लिए बैठे, वहां देखा मेरा बच्चा 5-6 महीने का था, वो सोया हुआ था। तो कहने लगे कि वो टीवी खोलना चाहते थे, उन्होंने टीवी तो नहीं खोले हैं, बच्चा सो रहा है जाग जाएगा, अच्छा अखबार ही पढ़ते बैठे अखबार। थोड़ी देर बाद किचन में से मैं सुनती हूँ वो जोर जोर से अखबार पढ़ रहे। मैंने कहा आई मैं दुबे भैया जोर जोर से अखबार पढ़ते तो मैंने किसी को नहीं देखा कि जोर जोर से अखबार पढ़ रहे। बोले हाँ
गधे गुदिया नमक तो गधा कहता है आपको, मैं पांच गधा होगी क्या बात है भाई, कहने नहीं तो क्या, आप देखिए इसको उच्चारण सिखा रहा हूँ सही, आप ही ने उच्चारण की बात की थी, मैं उसको जोर से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये सही उच्चारण सीख सके। मैंने कहा अरे 6 महीने का बच्चा है, उच्चारण कैसे सीखेगा, तो बड़ी मद्दाह बनती है आप भारतीय संस्कृति, लोग कहते हैं बड़े ही आप पढ़ी लिखी हैं, अरे आपको नहीं मालूम है अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है सीख लिया था, अरे ये तो 6 महीने का हो गया माँ के पेट से बाहर, अरे मैंने कहा मान गए भैया गलती हो गई। तो ये ऐसे सत्यदेव दुबे का शव वहाँ नीचे हमारी कॉलोनी में बिल्डिंग के नीचे रखा हुआ है, और 25 दिसंबर को मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था भारतीय विद्या भवन, वहां मुझे जाना था, और मैं कैसे जाऊं, दुबे भैया को इस रूप में सामने देख रही हूँ कैसे जाऊं, तो मुझसे नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं जाऊंगी, पर आयोजकों के फोन पे फोन आ रहे थे आइए जाना था, मेरे कानों में गूंजता था उनकी आवाज शो मस्ट गो शो चलना चाहिए। मैं चली हूँ अंधायुग, जो अंधायुग सत्यदेव दुबे ने किया था वैसा अंधायुग अलकाजी ने भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था, उस अंधायुग से बढ़कर के कोई अंधायुग हुआ नहीं था। मैंने वो अंधायुग पुस्तक उनके शरीर के चरणों में रखी और मैं अपने शो मस्त को मैं चली गई, वो भूलूंगी नहीं कभी। ऐसे ऐसे महान लोग मेरे जी। अच्छा राग दरबारी तुमसे लेके मैंने पढ़ी हुई है तुम्हारी किताब, ये मुझे याद है, दो तीन महीने के रहे होंगे तब संचौक हमारे यहाँ ये फोन आया कि भारती यहाँ पर तो मुझको फुर्सत मिलती नहीं है, कभी कोई घेरे रहता है कभी कोई घेरे रहता है, वो कलेक्टर थे इलाहाबाद में और ये सब दफ्तरों के काम से भी फुर्सत नहीं मिलती, मुझे कुछ लिखना है मैं तुम्हारे घर बम्बई आ सकता हूँ, बोले हाँ भैया जरूर आओ। तो चिल्लाए शुक्ल जी हमारे घर पधारे थे लिखने के लिए, हम भी बड़े सुख की भाई चिल्लाए शुक्ल उपन्यास लिखना चाह रहे हैं हमारे घर में से लिखेंगे बड़े। एक दिन बीता दो दिन बीता तीन दिन बीता, देखा वो लिखने के लिए नहीं बैठे, फिलहाल चुगले से हम कहें भाई साहब चाय पियेंगे, अब मैं तुम्हारे घर में चाय पीने आया हूँ भाई साहब खाना लगा, अरे खाना लगा लू चाय पी लो ये खा लो वो खा लो, मैंने बताया मेरे को बड़ी परेशानी लगी, छोटा सा मेरा बच्चा है मैं बच्चे में ध्यान दू, इनका खाने का ना टाइम है ना, मैंने कहा भारती जी ये तो तुम्हारे बड़े बेगम मित्र भाई इनके मेहमानगिरी तो करना बड़ा मुश्किल है, तो कहने लगे कि पुष्पा जी ये ऐसा ही है आप चिंता क्यों करती, बड़ा प्यारा आदमी है आप खाना बना के रख दीजिए, आपको दोबारा गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ये आएगा भूख लगेगी जो ठंडा रखा हुआ जैसा वो खा ले, इसे जब चाहिएगी चाय मांगे बड़ी विनम्रता से आपसे मांगे चाय, ये ऐसा ही है इसको जैसे वैसे ही रहते, ठीक है मैं रास्ता देखती रही। एक दिन साहब ये बोले चलो यार मैं तुम्हारी टेरेस से देखता हूँ बड़ा अच्छा समंदर दिखाई देता है, समंदर दिखा भारती जी ले गए हमारे घर के पीछे ही ब्रिज पेंडी का समंदर था, ये बैठे वहां पर एक एक चट्टान जैसी थी उसके पास में बैठ गए, दो रोड बैठे समुद्र देख रहे, थोड़ी देर में वो एक आम बेचता हुआ जौवा लेके आदमी उधर से आया, कर लगे ये क्या कह रहा है ये क्या बेच रहा है, आम बेच रहा है हापुस बेच रहा है, हापुस क्या होता है यहाँ अल्फांजो को हापुस करते अल्फांजो हापुस, अच्छा ठीक है बुलाओ यार लाओ आम खाए बुलाया, ऐसा वो आम वाला आया आम लिया गया भारती जी ने आम ले लिया उसने थैली में आम दे दिया भारती जी ने रख लिया, कह रहे यार भारती आम खरीदा था तुमने और तुमने रख लिया, बोले हाँ चलो घर चल के खाए, घर चल के क्यों खाएंगे, बोले ये हापुस है इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता है
इसको काट के अच्छी तरह खाया जाता है, ये हमारे यहाँ का जैसा वो आम नहीं है। तो ने हमारे और तुम्हारे यहाँ क्या होता है दिखाओ, लिया साहब उन्होंने आम, और जैसे वहाँ हमारे यूपी में चूसने वाले आम मिलते हैं ना, बड़े प्रेम से चूसा उन्होंने, उसको जाए हाफिस की दुर्गत कर दी, ऐसे ऐसे करके पूरा उसको छह पीस की निकाल ली उसको अंदर से रस बना के, और अपना उसको चूसा उन्होंने वहां बैठकर, चूसा और चूस करके उन्होंने जो उसकी गुठली थी उसको जैसे ऐसे छिछली मारते ना खेलते हैं, जोर से उसमें मारा और कहा ऐसे छिल के को ये आमा मार करके बोला चलो आने लगे। जब घर आने लगे तो वहां रास्ते में एक क्लब पड़ा करता था, मालूम नहीं मुझे अब है कि नहीं, एक क्लब था जो अंग्रेजी के जमाने का था, उसमें लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उनकी नजर पड़ गई, लगे ये क्या है, धर्मी के एडिटर पत्रकार हो, नामी आदमी हो, सब कुछ है तुम्हारे रहते, ये क्या है क्यों है, अब हम आजाद हो गए। और इतने गुस्सा के उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, वहां बस उन्होंने कुछ नहीं देखा, इधर गमले रखे हुए थे, उन गमलों में से एक में मट्टी उठाई, उस मट्टी को उसके खस 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 कर सारा मट्टी से खस दिया, जान लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और वहां पर जोर से वो गुस्सा होके यहाँ पर चले आया, घर चलो बहुत गुस्सा थी। घर आकर के मैंने देखा थोड़ी देर के बाद कि मैं जिस चीज के लिए परेशान थी कि एक दिन दो दिन तीन दिन बीते इन्हें लिखना ही नहीं शुरू किया, रेखा उस दिन शाम से लिखना जो राग दरबारी शुरू हुआ है, तो आज हिंदी के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजों को गाली देके, आप उसको गाली देख के, बम्बई को गाली देख के, और वो उपन्यास क्या उपन्यास है आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे जानेंगे क्या उपन्यास, तो ऐसे उस उपन्यास जन्म ये इतना आपने सुना। अब इन लोग की इच्छा पूरी कर, पहले सोनिया गांधी की, पहले अमिताभ बच्चन। आपका साथ जो है जन्म जन्म का साथ है, मैं कहा करती हूँ बच्चन जी के साथ मेरा जन्म का साथ है, जन्म जन्म का नहीं, जन्म का साथ है। कैसे, मैं जब छोटी थी, मैं सन 1935 में पैदा हुई, मैंने शुरू में बताया मेरे पिताजी कितने विद्वान थे, मेरे घर में हर हफ्ते एक मजलिस लगा करती थी, उसमें सब पिताजी के मित्र आते थे, वो सुनते थे, कविताएं होती हैं कहानी होती है, उसमें एक मित्र उनके ऐसे थे जो बहुत प्रशंसक थे साहित्य के, पर मुझे देखते ही आकर के मैं आई, ए तू नसुद्दी कहाँ से आ गई भाग यहाँ से, नसुद्दी क्यों कहते, पता चला कि मैं सन 1935 में पैदा हुई थी और 1936 में प्रेमचंद जी मर गए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, 1937 में जयशंकर प्रसाद जी, उसके बाद मतलब एक के बाद एक लेखक पटपट कुछ मरते चले गए थे बड़े, नसुद्दी एक पैदा हुई उसके बाद मेरे मन में ये गांठ बैठ गई थी, मैं सच्ची ना सुनती हूँ, विश्वास कर लिया था इस वाली बात, और बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे अंदर। मेरे पिताजी कवि सम्मेलनों का आयोजन किया करते थे, उसमें बच्चन जी जब आते थे सारी सारी रात कवि सम्मेलन होते थे, मैंने खुद रात को कवि सम्मेलन शुरू होता था सुनने गई, सुबह भोर होते देखिए, सारी रात कवि सम्मेलन चलते थे, बच्चन जी को कोई छोड़ता नहीं। तो साहब एक कवि सम्मेलन में कोई उनका बच्चन जी का परिचय दे रहा था, तो उसने परिचय देते समय ये बताया कि मधुशाला के सब दीवाने हैं, बच्चन जी ने पहली बार मधुशाला बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में सुनाई थी, और उसके बाद से बच्चन जी का की शोहरत कितनी ऊंची 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 उठती चली गई थी, और वो बच्चन जी की मधुशाला
1935 में लिखी दो दिन से, और पुष्पा जी का जितना भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था अपने में वापस ऐसा लौटा मैं क्या बात कर रही हूँ हिंदी में काय की हूँ। बच्चन जी की मधुशाला सब बोले हाँ सब लोग ये तो मानना पड़ेगा बच्चन जी की मधुशाला उस दिन अगर लिखी गई है तब तो तुम्हारा जन्म बड़ा सार्थक है। तो ऐसा तो मेरा बच्चन जी का साथ था। मैं बच्चन जी की कविताएं और खासतौर से मधुशाला सुना सुना करके अपने स्कूली जीवन में बड़े पदक जीत चुकी हूँ। फिर मैंने बच्चन जी कोट पैंट पहन करके आते थे और मैंने अपनी माँ से कहा था मेरे लिए सूट सिलवा दो क्योंकि बच्चन जी बन के जाना। मैं अपने बच्चन जी के जब जवान थे वो तो उनके बाल बहुत घुंघराले होते थे तो मैं अपने बालों, मेरे भी बाल हमेशा छोटे होते थे, मैं अपने बालों में माँ के रसोई में जा करके और छोंक लगाने का चमचा लेके उसको आग में गर्म करती थी, उसके ऊपर तेल लगाती थी, अपने बाल पूरा लेते थी, बच्चन बनती। तो वह तो बच्चन जी से मेरा साथ था और बच्चन जी से मेरा खूब पुरस्कार जीते सब किया। फिर मुलाकात हुई वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उन्होंने कहा कि मेरी चोरी पकड़ ली थी और आप लोगों को सुनाया। तो बच्चन जी से ऐसा साथ, ठीक है जी ये साथ तो हो गया। उसके बाद जब बंबई आ गए हैं तब की बात आपको सुनाती हूँ। बच्चन जी अब जो क्योंकि आप लोग अमिताभ सुनना चाह रहे हो इसलिए वो मैं बच्चन जी को की और बातें छोड़े देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि बंबई में हम लोग रहते थे। एक दिन बच्चन जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि अमिताभ यहाँ पर बड़ा स्ट्रगल कर रहा है और उसे बहुत इतनी कोशिशों के बाद भी काम नहीं मिल रहा है और उसका मन बहुत उखड़ गया है लेकिन वो ऐसी हार लेकर के जाना भी नहीं चाह रहा है। तो एक बड़ा उसको घर अपना बहुत याद आता है तो वो घर का सा माहौल कहीं अगर मिल सकता है तो तुम्हारे घर में मिल सकता है उसको बुलाओ। ऐसा करता हूँ पहली बार मैं लेके आऊंगा। तो हम लोग ने कहा इससे अच्छी क्या बात है। बच्चन जी शरद पूर्णो की रात थी, बच्चन जी का कविता पाठ हम लोगों ने अपनी हम लोग टेरेस फ्लैट में रहते थे वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे, बहुत बड़ी टेरेस थी उस पर काफी प्रोग्राम करते थे। बच्चन जी का प्रोग्राम रखेंगे, बच्चन जी कविता सुनाएंगे। ये छोटी सी थी उस जमाने की बात। तो बच्चन जी आए, बच्चन जी ने कविता पाठ करा। यहाँ पर हमने ऐसे छोटी सी चौकी रख दी थी, बच्चन जी सुना रहे हैं, इधर भारती जी किताबें लेके बैठे हैं, भारती जी किताबों में से कोई कोई उनको दे रहे हैं, ये वाली सुनाइए वो वाली वो सुना रहे हैं। ऐसे बच्चन जी की कथा बड़े बड़े लोग आए हुए सब मंत्रमुग्ध सुन रहे हैं। उस दिन पहली बार बच्चन जी के साथ अमिताभ आए। अमिताभ बड़ी देर तक चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद वो उठ करके और जो हमारे घर से मैंने बताया समंदर दिखाई देता था ब्रिज कैंडी का, वो ब्रिज कैंडी का समंदर मोड़े पे खड़े होकर देखता रहा था बहुत देर तक। तो लेकिन फिर उसके बाद आके कविताओं में बैठ गया। फिर मुझे लगा इसका ज्यादा मन तो नहीं लग रहा दिखता है। तो फिर ये रात खत्म हो गई, बच्चन जी की कविताएं हो गई, वो लोग चले गए। तो बच्चन जी ने कहा कि पुष्पा तुम्हारे घर में आके उसको बहुत अच्छा लगा है, अब एक दिन उसको खाने पे। ठीक ऐसे सिलसिला हुआ, शुरू हुआ अमिताभ का हमारे घर में आना। एक दिन वो ले आया, जब उसे रेशमा शेरा में काम मिल गया था तब की बात, आया उसको घर का खाना खाना था और पुष्पा जी के हाथ का खाना था। तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था तो वो वही रेशमा शेरा के सीन की ड्रेस पहने पहने चला घर में घुसा। ये जोर से चिल्लाई, मम्मी मम्मी भैया को क्या हो गया, खून बह रहा है। तो सलमा सिद्दीकी भी उस समय बाई चांस हमारे घर पर बैठी हुई थी। अरे गुड़िया ये टमाटो सॉस है, खून नहीं है। अमिताभ बोलता है क्यों बताया आपने ये टमाटो सॉस है। खैर सर इस स्तर पर उसके साथ में हमारी मुलाकातें शुरू हो गई। तो साहब ये मुलाकातें तो शुरू हो गई और अमिताभ आने जाने लग गए घर में और सब चल रहा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ उस समय की, जब अमिताभ की
हाँ शादी होने वाली थी। अच्छा नहीं, इसके पहले ये बता दूं कि अक्सर बच्चन जी और अमिताभ और पेजी जी हमारे घर जब वो लोग घूमते थे तो आ जाते थे, तीनों लोग आते थे। ये बच्चे बड़े खुश होते थे क्योंकि तेजी जी झुकवा बढ़ के फल और ढेर सारी मिठाई नमकीन सब लेके आते थे बच्चे बड़े। तो साहब वो आए हुए हैं और चल रहा है दौर। मैं देखिए इस समय तारतम्य मेरा टूट रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। हाँ, तेजी जी ने कहा कि मैं वो चाहती हूँ शादी से पहले। हाँ नहीं, मैं ये वाली बात बताना चाह रही थी कि तेजी जी ने कहा कि भारती तू यहाँ से जा, मुझे पुष्पा से कुछ बता। भारती चली गई तो वो तेजी जी मुझसे बोली कि पुष्पा तू मैं मुझे तेरा टेस्ट पसंद है, तू चल जरा मुझे कंबल खरीदना है। भारती जी चले तो गए लेकिन उधर ही थे। क्या कहना, क्या भाभी कंगन खरीदना है? भाभियों को ये सुन, आप देवर जी आप भी सुनिए वाली बात। वो कहने लगे कि भाभी जो हैं उनके हाथ में तो ऐसे कंगन सुहाते हैं, ये देखिए देवर की ये कंगन होता है, ये कंगन लीजिए और उसके हाथ में ऐसे है। दुष्ट कहीं तुझे कहा ना तुझसे बात नहीं करते। चलिए वे भारती जी, खैर मैं इसलिए इनसे कह रही थी कि ये मेरे देवर। तो बहरहाल तो वो भारती जी तो वहाँ से चले गए। कहने लगी ये कंगन खरीदना है, मैंने कहा काय के लिए? कहने देख किसी को पानो पानो खबर नहीं होगी ये अमिताभ शादी करने जा रहा है और मुझे कंगन ये पास बैठे। जब भी तेजी जी आती थी ये हमेशा उनकी गोदी में ही बैठती थी, हुए ने गोदी बैठा ये गोदी में बैठा सुनते रहे। अमिताभ चुप रहे, हम शादी करने जा रहे। इनका इसके पहले मशहूर किए वाली बात की ये कहा करती थी मैं बड़ी होगी तो अमिताभ से शादी और पूछा जाता था कि शादी में क्या होगा, शादी करोगी शादी में क्या होगा? बोले होगा क्या, उसी जमाने में कोका कोला चला, होगा क्या, बैंड बाजा बजेगा और मुफ्त में कोका कोला पीने को मिलेगा। उसके साथ ये सब इन लोगों को मालूम था, उनके घर में प्रश्न खैर साबिया जब इन्होंने बताया, भाभी ने भी इनसे वायदा कर लिया था हाँ तुझी से जाते। ये सुन रही है बोला उठी गोदी में से झटका मार करके और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली। तो भाभी बोले मुझसे तो बहुत गलती हो गई, गुड़िया के सामने मैंने कह दिया, तो उससे कह रही हूँ किसी को मत बताना वही गुड़िया। तो भैया तो मैं जाती हूँ उसको मना के ला सुन। भाभी छोड़िए बच्चे हैं अपने आप ही समझ जाएगा कैसे। थोड़ी देर के बाद होता है ये जो है अपना हेगी करती हुई चली आ रही कमरे से। मैंने भाभी की तरफ देखा ठीक हो गई, ये आके बोलती है कर लीजिए जय अबादड़ी से शादी। वो लौट के मेरे ही पास आएंगे क्यों भाई इतना विश्वास कर। अरे वो गूंगी भी है बहरी भी है, उसकी कोशिश नाम की पिक्चर उन दिनों चल, इनको विश्वास था कि गूंगी बहरी से शादी करेंगे आकर तो मेरे ही पास आएंगे। तो ऐसे अमिताभ बच्चन हमारे घर से इस तरह संबंधित थे। अंत में उन्होंने जया ने मुझे बताया था कि आप विश्वास मानिए फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ये वाला किस्सा सुन चुका है कि भारती जी की लड़की शादी करती है उनके साथ में और उनके साथ में उसे विश्वास है कि जया भादुड़ी के साथ शादी नहीं चलेगी मेरे पास। तो बात को मैंने आपको बताया कि हमारे घर अमिताभ और वो सब लोग हमेशा ही आते थे। तो ये जब अमिताभ जब आया करते थे तो बच्चन जी और अमिताभ कुछ न कुछ सुनाते थे। तो बच्चन जी का एक लोकगीत है मेले में कोई गुड़िया कोई मिला है, आप लोगों को मालूम है। अमिताभ उसको गाते थे मेले में कोई गुड़िया, ये चिल्लाती थी मम्मी भैया से कहिए ना भैया मेरे छेड़ते रहते। इस तरह के हम लोगों के रिश्ते बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस अमिताभ के बारे में मैं बात करूं
या इस अमिताभ के बारे में ये इतना बड़ा अमिताभ जो है आज ये बड़ा भला बड़ा भूला बड़ा सच्चा बड़ा अच्छा व्यक्ति है इसमें कोई शक आपने जिस अमिताभ आख्यान की बात की है वो अमिताभ आख्यान मेरे घर में आकर के और मैं इसके साथ बातें करती थी और मैंने इसकी टेप रिकॉर्डर लगा रखा था उसमें टेप कर रखी थी सारी बात तो वो पूरी पुस्तक मेरी इंटरव्यू नहीं है अमिताभ के बोले हुए खुद के लिए खुद की बातें और इतनी अच्छी अच्छी उसने अपने बचपन की जो बातें बताई कैसे वो चमन्नी चुराता था कैसे वो सब आप लोगों ने पढ़ाई होगा